आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस, यानी बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट में बनते हैं उस तरह हम बनाएंगे। और आई हैव गॉट अ वॉक फॉर दैट, चाइनीज़ वॉक हमारे पास है, चाइनीज़ वॉक में हम बनाएंगे। साथ में हम बनाएंगे हॉट गार्लिक। हॉट गार्लिक नाम से आपको लग रहा होगा कि बहुत स्पाइसी होगा, बिल्कुल स्पाइसी होगा, एंड इट वुड बी हैविंग लोड्स ऑफ गार्लिक। तो रेसिपी की तरफ आती है। और हॉट गार्लिक हम बिल्कुल एग्जैक्टली एक रेस्टोरेंट है जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन बहरहाल देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो कि वहाँ पे काम करते हैं और ये वहाँ की रेसिपी है एंड इट्स सच अ गुड रेसिपी। तो हॉट गार्लिक हम बनाएंगे और इसके लिए चिकन को हम डिफरेंट तरीके से आज काटेंगे। ब्रेस्ट पीसेस चिकन के हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 500 ग्राम्स। अंडे ऑप्शनल हैं, 1 से 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे इस रेसिपी में इस्तेमाल करें, मगर मैं करूँगी बिकॉज उस रेसिपी का, ऑथेंटिक रेसिपी का ये पार्ट है। मैदा जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी वैसे वैसे मिकदार बताती जाऊँगी। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर हमारे पास देखिएगा 2 जगह पर रखा हुआ है। एक कॉर्नफ्लावर वो है जो कि हम चिकन पे लगाएंगे फॉर द मैरिनेशन पर्पज़, एंड दूसरा वाला कॉर्नफ्लावर वो है जो कि हम बाद में जिसकी ग्रेवी बनाएंगे। वाइट पेपर पाउडर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चाइनीज़ में, पूरे चाइनीज़ में कोई सोया सॉस एडेड नहीं होगी, कोई इसमें सफ़ेद सिरका एडेड नहीं होगा, कोई चिली सॉस ऐड नहीं होगी। ये वो रेस्टोरेंट वाला चाइनीज़ है जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि जी वो फ्लेवर क्यों नहीं आता। वाइट पेपर पाउडर, चीनी हम इसमें करेंगे ऐड। इसमें हम ऐड करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट, नो चिकन क्यूब, नो चिकन पाउडर, ओनली चाइनीज़ सॉल्ट। नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची जिसका हम चिली ऑयल बनाएंगे बेसिकली। साथ में हम यूज़ करेंगे चॉप्ड गार्लिक, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। दैट्स इट। अभी हम फिलहाल हॉट गार्लिक बना रहे हैं। सबसे पहले हम हॉट गार्लिक के लिए क्या करेंगे कि हम लहसुन को करेंगे चॉप, और लहसुन को चॉप करके हम रख लेंगे। लहसुन के पेस्ट की बजाय चॉप लहसुन का इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज़ इस रेसिपी के लिए वाकई में चॉप लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। 3 खाने के चमचे या मैक्सिमम 4 खाने के चमचे ऑयल, लेकिन बहरहाल दिस इज सीरियसली वर्थ मेकिंग क्योंकि जायका इसी में है। बना रहे हैं चाइनीज़ वॉक में हॉट गार्लिक, और इसके साथ हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ फ्राइड राइस। उसमें कोई सोया सॉस नहीं है। थोड़ा सा ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे एंड हमारा चिली ऑयल हो जाएगा तैयार। यहाँ पे हमने ऑयल को रखा हुआ है गर्म होने के लिए टू फ्राई आवर चिकन। एंड चिकन के लिए हमने ये करना है कि चिकन हमने थोड़े डिफरेंट तरीके से इस बार काटनी है, जिस तरह से रेस्टोरेंट पर यूजुअली चाइनीज़ के लिए काटी जाती है। दैट इज़ कि आपने इस तरह से एक ब्रश पे ले लिया, इससे बहुत सॉफ्ट बनती है चिकन। तिरछा आप काटेंगे, इसके लिए क्यूब्स नहीं आप इस्तेमाल कर सकते चिकन की, यानी कि क्यूब शेप वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते चिकन, यही इस्तेमाल करनी लाजमी है। अच्छा, चिकन में हम ऐड करेंगे जनाब नमक, जस्ट अबाउट 1 पिंच, चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, वाइट पेपर पाउडर यानी कि दक्खनी मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। एंड हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, अंडे को हम कर लेंगे विस्क, इसी में विस्क कर लें, मिक्स इट वेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी थिक कोटिंग इसकी नहीं करनी। पहले हम इसमें ऐड करें कॉर्नफ्लावर, मैदा ऐड करेंगे उतना ही जितना आप ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। दैट्स इट, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। स्लाइट सी हमें चिकन पे देनी है कोटिंग, ओवर नहीं करना कोटिंग को। लेकिन जब ऊपर का पार्ट इसका हार्ड होगा ना, तो जब आप इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे तो एक क्रंच आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट टेक्स्चर। ये हो गया हमारी मैरिनेशन डन। ऑयल में करेंगे फ्राई, ऑयल का टेम्परेचर तेज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम आ जाते हैं हमारे चिली ऑयल की तरफ। चिली ऑयल बनाने के लिए वी नीड अ बोल, और ये बन गया हमारा होममेड मज़ेदार सा चिली ऑयल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी चिकन की डीप फ्राइंग की तरफ। 80% पकाना है, बाकी के जो 20% है ना वो हॉट गार्लिक के जब ये सॉस में जाएगा ना तो पक जाएगा। बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना बनाएं। दिस इज कॉल्ड अ चाइनीज़ वॉक। चिली ऑयल को हम कर देंगे साइड पे प्लेस, क्योंकि जब मैं इसको ग्रेवी में ऐड करूंगी ना तो ये पकेगी मज़ीद। हमारी चिकन की चाइनीज़ राइस की तरफ, जो कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। चिकन मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें कीमे की फॉर्म में है, तकरीबन 250 ग्राम्स, 1 पाव के बराबर चिकन का कीमा है। हरा प्याज हम इसमें करेंगे शामिल, चॉप गाजरें अभी आप देखिए। और ये गाजरें हम ऐड कैसे करेंगे ये भी देखिएगा, कि हम इसको भूनेंगे ही नहीं लिटरली। तो अब क्या करेंगे इनके साथ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, बल्कि करके दिखाएंगे। 4 अदद हम इस्तेमाल करेंगे अंडे, वाइट पेपर पाउडर, नमक, चाइनीज सॉल्ट एंड चीनी। 4 अज्जा चाइनीज़ में ज़रूर ऐड होते हैं जब मज़े का चाइनीज़ आप किसी भी रेस्टोरेंट पर खाते हैं। तो ये 4 अदद वाइट चीज़ें, चाइनीज सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, चीनी एंड नमक, बस ये चारों चीज़ें अगर आपके पास है ना तो लिटरली आपको चाइनीज़ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। पूरे हॉट गार्लिक में फ्लेवर ही ये लेके आएगा। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, हमारी सारी चिकन। कुछ लोग होते हैं ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर जो कि मस्ट है, स्पाइस, थोड़ा सा नमक, एक खाने के चमचे के बराबर चिकन पाउडर, क्योंकि हमने इसमें चिकन का ना स्टॉक यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी चाइनीज सॉल्ट। परफेक्ट हो गई है इसकी चिकन का कीमा, जर्दे का रंग, सॉल्ट, और इसको हम कर लेंगे विस्क। अच्छा, ये बिल्कुल वो नहीं है, नॉन स्टिक नहीं है, दिस रियली अच्छी तरह से चिकन को पकाएंगे। चीनी इसमें ऐड करेंगे स्टेज पे, अंडों को ऐड करके एज इट इज छोड़ना है। अच्छा, ये हो गया परफेक्ट। चावलों के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें। ये डिफरेंस था जो मैं आपको बता रही थी। इसमें हरा प्याज ऐड नहीं करना, व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे जहाँ जहाँ से ये लगेगा, बिकॉज हॉट गार्लिक हमारा बड़ा हैवी है एंड इट्स वेरी ऑयली। चावल हमारे बासमती हैं, परफेक्टली पके हुए हैं, और इस वक्त जो मुझे व्हाइट पेपर पाउडर की खुशबू आ रही है, दैट इज सुपर अमेजिंग। हरा प्याज ऐड करेंगे एंड दिस इज द कलर वी वांटेड बेसिक। एंड क्योंकि वॉक है, नॉन स्टिक नहीं है, तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज और हमारी, क्योंकि इसका नाम ही हॉट गार्लिक है। साथ में हमने जो हॉट गार्लिक बनाया है, हॉट गार्लिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हॉट गार्लिक में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको अपनी गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।